अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आ गया हूँ न्यूज़ की। तो जितने भी लोग नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया से मुतल्लिक। भाई फुकरा और पुनीत जो है ना कोलैब कर रहे हैं। अब आपको पता है पुनीत को कैसे बिग बॉस पे एक हफ्ते में ही निकाल दिया था, तो कभी वैसा कोलैब ही नहीं बना फुकरा का। फुकरा उसके साथ था पहले दिन से ही था, पर वो जब एक हफ्ता एक ही दो दिन में निकल गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो अब वही वाली चीज़ फुकरा आपने वीडियो में डालेंगे, मज़ा आएगा देखने में कि फुकरा और पुनीत क्या करते हैं कॉमेडी। आपको इसके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन बनाना। दूसरी जो न्यूज़ है वो सिर्फ तुम पे है, सिर्फ तुम पे। वो जो अमल और हमजा का सीन है जिसमें हमजा उसको डिवोर्स दे रहा होता है, वो लोगों को पसंद नहीं आया। फैंस एंग्री हो गए, फैंस ने बोला यार ये क्या है, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं ड्रामों में। लोग इस तरह डिवोर्स के जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ के रुझान वैसे ही बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज ये ड्रामा नहीं, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें डिवोर्स ही होती रहती है। तो ये रुझान तो वैसे ही बढ़ गया है। इसलिए बोलता हूँ मैं, मीडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ ताकि लोगों के जहन साफ बने। अगर आप ऐसे कंटेंट बनाओगे लोगों के जहन गंदे बनेंगे। आपकी मर्ज़ी भाई, आप लोग टीआरपी के लिए करते हो, हम इसमें कुछ नहीं बोलते। तीसरी जो न्यूज़ है वो मैगी रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाज की कितनी जो इनकम है सैलरी, और आयदा की कितनी सैलरी है। तो जो वहाज की जो सैलरी है, पहले वहाज की सैलरी पर बात करते हैं। और मैं हैरान हो गया ये सुन के, सिर्फ 2 लाख रुपए पर एपिसोड सिर्फ 2 लाख रुपए। अब जब तेरे बिन हिट हुआ, जाहिर सी बात है बीच में ये शुरू किया था मैं, तो उस वक्त वहाज को पता नहीं था पॉपुलैरिटी का। वहाज पॉपुलर हो गया तो 2 लाख ले रहा था, तो अब पेमेंट अब देखते कितनी बढ़ाई है। बहरहाल आयजा पे चलते, आयजा को कितनी मिल रही है, अब यहाँ से पता चलता है। आयजा से पूरा काम भी ले रहे हैं ये मुबशरा वाला। तो मुबशरा की जो फुल सैलरी है वो 6 लाख पर एपिसोड को कम दिया जा रहा है पेमेंट, और आयजा को ज़्यादा, क्योंकि आयजा का जो है ना रोल ज़्यादा है। तो ये यहीं से समझ जाओ कि मैं सिर्फ आयजा पे है, बाद को थोड़े सपोर्टिंग रोल में रखा हुआ है, इसलिए बाद को इतना नहीं मिल रहा। क्या ख्याल है आप तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दूसरी ये बात कि सिर्फ तुम ख़त्म हो रहा है, 3 एपिसोड्स रह गई हैं, उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है, और नया ड्रामा है कलंक। कलंक का ये कहूँगा मैं कि कलंक जो है हीरा मानी का है, और वो समझ में आ रही है क्या है कहानी, कि वो उसको शक हो जाएगा जुनेद को कि मैं लड़की का किरदार सही नहीं है, तो वो उससे मंगनी तोड़ देगा। फिर वही वाली कहानी, वो दूसरे से शादी कर लेगा, बाद में पछताएगा फिर मैंने उसको क्यों छोड़ा, फिर वही वाली कहानी। यहाँ पे ये बहुत बार देख चुके हैं और ये फिर से ये ला रहे हैं। अब इसमें तड़का मसाला क्रिएटिवनेस अपनी डाल के उसको थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे, जो 7 स्काई वाले करते हैं। पर मुझे इस ड्रामे से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ड्रामा बस ऐसी है, चल चलाओ। सिर्फ तुम फिर भी सही था, क्योंकि सिर्फ तुम में कुछ डिफरेंट स्टोरी भी लाने की कोशिश की थी। अगर आप लोग मेरे से एग्री करते तो लाइक करके बताओ। पर ये जो कलंक है, इस पर मुझे वही वाली स्टोरी लग रही है कि भाई वो उसने छोड़ दिया, फिर उससे शादी दूसरे से हो गई, फिर वो बाद में पछता रहा है मैंने उसको छोड़ा, फिर वापस आ रहा है। वही वाले है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के वही चीज़ आती है, पछतावा और फिर उसी से शादी करने का सीन। तो अब देखते हैं क्या होता है ड्रामे में यार। पर मुझे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मुझे इतना इसके लिए एक्साइटमेंट नहीं है। तुम लोगों को एक्साइटमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे बता रहा कमेंट सेक्शन में। और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। टेक केयर, बाय। अपना बहुत ख्याल रखो।